लुधियाना के गांव नारंगवाल के मोड़ पर नाकेबंदी के दौरान प्रशासन ने एक खजाना नंबर का एक ट्रक कब्जे में किया, जिसमें कुल 1200 पेटियां शराब बरामद की गई। मौके पर ट्रक चालक शराब से कोई भी आधिकारिक दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, जिसके चलते प्रशासन ने ट्रक और शराब की सभी पेटियों को अपने कब्जे में ले लिया। प्रशासन अब इस बात की जाँच कर रहा है, ये शराब कहाँ से आ रही थी और कहाँ ले जा रही थी और इसके पीछे क्या मकसद था। इस बात की भी जाँच की जा रही की कहीं ये शराब चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के मकसद से नहीं दी जा रही। ये चेक कराई थी। इसके साथ साथ जब हम लोग शाम को चेकिंग कर रहे थे, उस दौरान हमने एक ट्रक पकड़ा जो कि हरियाणा का नंबर था। उसमें 1200 के करीब पेटी है जो पकड़ी गई है। ये नारंगवाल गिल चौक है जहां पे ये ट्रक जो पकड़ा गया है, और अब डेलों थाली में इसको हमने कॉन्फिस्केट करके भेजा है। उसके पेपर वगैरह चेक हो रहे हैं, ऑलरेडी डीआर उसके रजिस्टर हो चुकी है। पुलिस ने अभी पता नहीं लगा, लेकिन क्योंकि अभी अनअकाउंटेड फॉर है, इसके पेपर्स नहीं थे उसके पास, ट्रक ड्राइवर के पास, सिंगल ट्रक ड्राइवर है और हरियाणा का नंबर है, पंजाब का भी नहीं है, तो इसकी तफ्तीश कर रही है पुलिस और उस पर लीगल एक्शन होगा।